नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 6 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद पिछले दो दिन से फतेहाबाद में अधिकारी निचले इलाकों में जल भराव और अधिक बारिश की आशंका के बीच बाढ़ जैसी स्थिति और हालात से निपटने के लिए जिले भर का दौरा करने में जुटे हैं। मंगलवार को जहां हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने अधिकारियों तथा उनके साथ जिले में बाढ़ संभावित तथा जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया, तो वहीं बुधवार को डीसी फतेहाबाद ने निचले इलाकों में शहर के ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां पर जल भराव की समस्या आती रहती है। डीसी नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हिसार मंडल के आयुक्त विनय सिंह ने जिला में बाढ़ बचाव को लेकर के पुख्ता प्रबंध 15 जून तक पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नदियों नहरों के निचले क्षेत्रों ड्रेन जोहट तथा विभिन्न सड़क मार्गों में जहां बाढ़ राहत के लिए निर्धारित कार्यों को समय अवधि में निपटने के लिए जारी आदेश दिए गए। सिंचाई शहरी स्थानीय निकाय तथा पंचायती विभाग के अधिकारी अपने अपने अधीन क्षेत्र में कार्य करें। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। सर, कमिश्नर साहब ने बाढ़ आपदा प्रबंधन के जायजा लिया, तो क्या विशेष गाइडलाइन सब जारी की गई हैं? जैसे अभी मौसम भी ये ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है हरियाणा में, इसमें फ्लड रिलीफ के जो काम होते हैं उनको चेक करने के लिए, उसमें हम भी चेक करते हैं जिला स्तर पे और सब डिविजनल पे एसटीएम्स भी चेक करते हैं। तो कमिश्नर साहब आए थे कल और उनके साथ उन्होंने पूरे ज़िले के कई कामों का पहले सारा यहाँ पर सुपरविजन किया, देखा, और उसके बाद फिर वो स्पॉट पर भी गए और वहाँ पर भी उन्होंने कामों को देखा और इस काम को सराहा उन्होंने कि फतेहाबाद ज़िले में ट्रेन्स की सफाई के लिए तथा अन्य इंतजाम करने में हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। और आज मैं खुद भी गादली में और अब इसके बाद बड़ोपल और ये अपने इंजन्स को चलवा के देखे, बीटी मशीन्स को देखा है, तो हम भी अपनी पूरी तैयारी में हैं। और इसके बाद अब रतिया और टोहाना के भी जो पाइप्स डली हुई हैं उनके भी कामों का निरीक्षण अभी हम करेंगे, आज ही करेंगे। तो इस तरह से हम अपने हर काम को खुद एक एक पॉइंट पर जाकर चेक कर रहे हैं और ताकि इस तरह की कोई बाढ़ की कोई स्थिति बनती है, कोई पानी ज़्यादा आ जाता, बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। सर, आमतौर पर देखा जाता है निचले इलाके, खासकर फतेहाबाद शहर जो है, जैसे चिल्ली का इलाका है, जवाहर चौक एरिया, वहाँ पे पानी काफ़ी भर जाता है बरसात के दिनों में खासकर। इसके लिए एक्शन पब्लिक हेल्थ म्यूनसिपल कमेटीज के म्यूनसिपल काउंसिल के अधिकारियों से कल उनको विस्तार से ये बताया गया कि ये जो पुराने नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग जरूर करें और उनकी सफाई करके ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए और वो जैसे ही यदि बारिश में ज़्यादा बारिश होती है और पानी आता है तो वो तुरंत ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। ठीक है।